नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिलवाड़ा आए मदन राठौड़, जैन मुनि के दर्शन कर उदयपुर हुए रवाना। मातकुंडिया बांध के गेट खोले, बनास में बढ़ेगी पानी की आवक, चीले में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर। खारी नदी के उफान पर चलने से विजयनगर गुलापुरा मार्ग की पुलिया पर आया पानी, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शहर के केशव अस्पताल में 8 वर्षीय मासूम की मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया प्रदर्शन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ, युवा प्रतिभाएं दिखाएगी दमखम, सिंगोली चारभुजा नाथ को लगाया 56 भोग, उतारी महाआरती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अल्प प्रवास पर भिलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जैन मुनि से आशीर्वाद लिया। रेल मार्ग से भिलवाड़ा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने जैन मुनि रामलाल जी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ उदयपुर के लिए रवाना हो गए। भिलवाड़ा पहुंचने पर सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के सदस्यता की विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि इन्होंने पार्टी की नीति और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर सदस्यता ली है, मगर सदस्यता देना नहीं देना हमारे हाथ में है। प्रदेश में 8 लाख के आसपास सदस्य भाजपा के जुड़े हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। सदस्यता अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि पार्टी ने एक सतत प्रक्रिया के तहत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी लगा दिए हैं। ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, मगर अभी चुनाव की घोषणा की तिथि घोषित होने के बाद ही हम अलग रणनीति तय करेंगे। नए जिलों के गठन और समाप्त करने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसने समीक्षा रिपोर्ट पेश की है, इसके आधार पर कई ऐसे जिले जो बनने लायक नहीं थे उन्हें जल्द समाप्त किया जाएगा। इससे 7-8 जिलों को समाप्त किया जाएगा। भाजपा से शाहपुरा विधायक द्वारा जिला समाप्त नहीं कर देने की बात पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी मुझे आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, समय बताएगा, हम सब सही कर देंगे। जिले बना दिए, जैसे दूध एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे हम, और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। जैसे कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूं कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए, केवल वहां के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए बना दिए गए। मैं सोचता हूं इसका लाभ जनता को भी नहीं मिल रहा है, जनता में भी इसका विरोध है। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होंगे। नियम प्रक्रिया सबके लिए लागू होती है, और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ का जिले की क्या स्थिति है, लेकिन जितना मुझे पता है कि कई जिले केवल तुष्टिकरण के लिए बना दिए गए, वो जिले हम समाप्त करेंगे। ये उनकी सोच है, उनको ये लगा कि इस समय देश के अंदर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कौन सी पार्टी है, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो देश की चिंता करती है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने की चिंता करती है। उनके मन में ऐसा विचार आया, लेकिन सदस्यता देना नहीं देना ये हमारे अधिकार है। देखिए, कई लोग जो अवांछित लोग भी आ जाते हैं तो हमको विचार करना पड़ता है। आसीन क्षेत्र के खारी बांध के छलकने के बाद आसीन और गुलापुरा में खारी नदी में उफान आया। इसके चलते विजयनगर गुलापुरा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, वहीं लोग नदी में पानी आने से खुशियां मनाते नजर आए। खारी बांध के पूरे भरने के बाद नदी में आए पानी से गुलापुरा विजयनगर मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके चलते अब लोगों को हाईवे पर होकर एक दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। वहीं नदी में आए पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे। कुछ लोगों ने तो नदी में पानी आने के बाद खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां भी बांटी। आप भी देखिए खारी नदी का विहंगम दृश्य। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट।
भीलवाड़ा शहर में जहां घने बादल छाए हुए हैं लेकिन बरसे नहीं है। जिले के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और रास्ते अवरुद्ध होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलापुरा में खारी और काछोला नदी के उफान पर होने से वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर मातकुंडिया बांध भी लबालब हो गया है और अब बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है, जिससे बनास में भी पानी की आवक बढ़ेगी। जिले में तेज बारिश के चलते जेतपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते निचले क्षेत्रों में बहने वाली नदी में पानी की आवक बढ़ गई है और पेटा क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को सतर्क किया गया है। उधर काछोला क्षेत्र में बनास नदी की पुलिया पर अधिक मात्रा में पानी आने से यातायात रोक दिया गया। पनौतिया क्षेत्र में कोठारी नदी की पुलिया पर अधिक मात्रा में पानी आने से रास्ता अवरुद्ध रहा व पुलिया के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। गुलापुरा और आसिंद क्षेत्र में खारी नदी उफान पर है, जिससे आसिंद की पुरानी पुलिया पर यातायात बंद कर दिया। वहीं गुलापुरा विजयनगर मार्ग भी अवरुद्ध है। भीलवाड़ा में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं, शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं शहर की लाइफलाइन रहे मेजा बांध में भी पानी की आवक जारी है। जिले के काछोला तहसील में लगातार बारिश से चैनपुरा अमरपुरा के पास बनास नदी की पुलिया पर दो दिनों से आवागमन बंद होने से एक दर्जन गांवों का संपर्क कटा हुआ है। रास्ता बंद होने से काछोला तहसील क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय पर जाने पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही काछोला, चैनपुरा, माधोपुरिया, आमलदा, अभयपुर, बहादुरपुर, भेरूखेड़ा, खजूरी, राजगढ़, अमरपुरा, बांकरा, शक्करगढ़ आदि गांवों की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी होना पड़ रहा है। पुलिया पर बहाव तेज होने से पारोली की ओर से चैनपुरा, माइंस, दिगंबर जैन, अतिशय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर, पार्श्वनाथ स्थल पर लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। नदी के तेज बहाव को देखने दोनों छोर पर लोग बनास पुलिया पर पहुंच रहे हैं। काछोला थाना पुलिस ने नदी के छोर पर बैरिकेड्स लगवाकर नदी पार करने पर रोक लगा दी है। खजूरी व काछोला की तरफ जाने वाले लोगों को 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केशव हॉस्पिटल में 8 साल की एक मासूम की उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मौत हो जाने पर परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इसे लेकर वहां परिजनों और लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि बालिका पहले से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। सुभाष नगर निवासी पूरण बलाई ने बताया कि उसकी भतीजी 8 वर्षीय अर्पिता को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर उपचार के लिए केशव पोरवाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन रात भर किसी चिकित्सक ने उसे नहीं संभाला। यह आरोप लगाते हुए बलाई ने कहा कि आज सुबह उन्होंने कहा गया कि इसे कहीं और ले जाओ, इस पर ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही अस्पताल से बालिका को बाहर लाया गया उसकी मौत हो गई। पूरण ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया जा रहा है, जहां उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बालिका की मौत के बाद परिजन और अन्य लोग अस्पताल पर जमा हो गए और वहां प्रदर्शन किया। उधर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नरेश पोरवाल ने हलचल को बताया कि बालिका के इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। वह लंबे समय से बीमार थी और 2 माह से इलाज चल रहा था। सर, मैं पूरन मेघवंशी सुभाष नगर निवासी, ये मेरी भतीजी अर्पिता बले, इसको उल्टी की शिकायत होने पर मैं इसको रात को 10:30 केशव पोरवाल हॉस्पिटल लेकर आए थे और रात से इसको उल्टी हुई थी, तो इन्होंने एडमिट कर लिया इसको और रात भर किसी भी डॉक्टर ने इसकी आके
कोई चेकअप नहीं किया, सिर्फ दो स्टाफ नर्स के सारे इसका इलाज किया गया। और सुबह 6:30 बजे 6:15 बजे हमको बोला कि आप इसको आपकी इच्छा हो जहाँ ले जाओ। तो हमने इसके लिए ऑक्सीजन सहित एम्बुलेंस भाड़े पर ली और हम इसको उदयपुर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अस्पताल से बाहर नहीं निकले उससे पहले बच्ची की एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। तो ये अस्पताल की लापरवाही, अगर ये हमको रात को ही हमको अवगत करा देते तो हम इसको रात को ही हमारी जहाँ भी इच्छा होती हम वहाँ ले जाते। तो हम ये चाहते हैं, हमको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रबंध के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि आगे से ऐसी लापरवाही किसी दूसरे के साथ नहीं हो, क्योंकि इन्होंने हमको गुमराह किया, रात भर हमको यहाँ पड़ा रखा और हमारी बच्ची की, आज हमको बच्ची खोनी पड़ी। 8 वर्ष की है और अर्पिता भलाई ये नाम इसका सर। लापरवाही इलाज में, बिल्कुल लापरवाही सर, रात भर इसी को किसी ने नहीं देखा सर, तो लापरवाही है ना सर। ये चीज़ हमको रात को 10:30 बजे 10:30 बजे बताते तो हम इसको रात को ही वहाँ रेफर कर देते, हम खुद हमारी इच्छा होती जहाँ ले जाते हम इसको, और सुबह 6:15 बजे आके हमको बोल रहे हैं कि आप इसको उदयपुर ले जाओ, आपकी इच्छा हो जहाँ ले जाओ सर। अर्दिया गांव की एक बच्ची को कल रात में हॉस्पिटल में लेके आए थे, इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो ग्रामीण लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर इस बात को रखा है कि मौत के कारणों की जांच की जाए, तो एक बार डेड बॉडी को लेकर MGH हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ इसका PM वगैरह करा के जो भी अगली कार्रवाई वो डिसाइड करेंगे। इसके बारे में जाँच की जाएगी, अभी कहा नहीं जा सकता। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455, भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा सदर थाना क्षेत्र स्थित इरास चौराहे पर सांप का खेल दिखाते एक सपेरे को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार रविवार को एक सपेरा इरास चौराहे पर सांप लेकर खेल दिखा रहा था। इस दौरान सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विभाग के CL कौली ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सपेरे को पुलिस को सौंप दिया गया। गिणौली गांव में मवेशियों को रोग के बचाने के लिए ग्रामीणों ने जोत में निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि पशुओं को रोग से बचाव के लिए वर्षों से चल रही परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी भादवा शुक्ल की पंचमी को कंकाली माता, देवनारायण भगवान, फेरुनाथ, चारभुजानाथ, तेजाजी महाराज, नरसिंह माता, जयपाल महाराज का धूप ध्यान कर दीप प्रज्वलित किया तथा सभी ज्योतों को आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर लाकर मवेशियों को निकाला गया। इसके बाद गोमूत्र का छिड़काव किया जिससे मवेशियों को रोगों से बचाया जा सके। महावीर सैन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सारस्वत समाज की ओर से श्री सिंगोली चारभुजानाथ के 56 भोग का आयोजन कर भगवान को भोग अर्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री चार भुजा गो सेवा संघ भिलवाड़ा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, गो हत्या की रोकथाम के लिए भिलवाड़ा से श्री चार भुजानाथ गढ़बोर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए श्री चार भुजा गो सेवा संघ के महामंत्री पार्षद विजय कुमार लड्ढा ने बताया कि पदयात्रा का मुख्य समारोह लालजी चले श्री चार भुजानाथ गढ़बोर का आयोजन श्री पंचमुखी दरबार मंदिर प्रांगण में हुआ, जिसमें हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ
लालजी महाराज की श्रृंगारित प्रतिमा को रथ में लक्ष्मण दास त्यागी पंचमुखी दरबार बाबूगिरी महाराज आदि द्वारा विराजमान किया गया एवं भोग महाआरती का आयोजन किया। इसके बाद पदयात्रा रवाना हुई जो बापू नगर में रात्रि विश्राम करेगी। दूसरे दिन पदयात्रा 9 सितंबर सोमवार को पुर कारोई होते हुए श्री विनायक विद्यापीठ भुनास पहुंचेगी और 12 सितंबर गुरुवार को पदयात्रा पड़ासली मोहन राम चिका गुड्डा होते हुए प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री चार भुजानाथ गढ़बोर पहुंचेगी। जिले में रविवार को ऋषि पंचमी हर्षोल्लास एवं भक्ति में माहौल में मनाई गई। सबसे पहले सप्तऋषियों की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत उपासना करने से अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित किया जा सकता है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं ने सप्तऋषियों की पूजा आरती कर आशीर्वाद पाने के बाद अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की। देवनारायण की जन्मस्थली मालासिरी डोंगरी स्थित देवनारायण मंदिर पर 1113वें नीलाघर घोड़े का अवतार महोत्सव मनाया जाएगा। 2 दिवसीय लक्की मेले का शुभारंभ रविवार को हुआ। मेले में देश प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आने शुरू हो गए हैं। दर्शन के लिए कतार लगनी शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में लोग हाथ में ध्वजा लिए हुए डीजेएम ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए देवनारायण के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। मालासिरी मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को जयपुर के गायक कलाकार हंसराज मासी मजन की प्रस्तुति देंगे। वहीं रात्रि में कमलफूल अखाड़ा का आयोजन होगा। वहीं सोमवार को सुबह 4 बजे श्री देव नारायण की महाआरती की जाए। 1113 लीटर की दूध की खीर एवं मालपुए का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। दिन में आयोजन अमावस्या समान समारोह रात्रि का विशाल जागरण कमल फूल का अखाड़ा सहित पदयात्रियों के जो आने वाले सभियों के लिए समान समारोह का आयोजन भी होगा और देश प्रदेश से पधारने वाले सभी देव भक्त यहाँ आकर के अपनी मन्नत मांगेंगे और भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेकर के। शहर गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को 41वीं जिला स्तरीय 15 वर्षीय सब नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में भिलवाड़ा जिले की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सरपंच अमरचंद गाढ़ी ने प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। उप प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में 41वीं जिला स्तरीय 15 वर्षीय सब नेहरू की प्रतियोगिता की शुरुआत रविवार से हुई। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्व सरपंच अमरचंद गाड़ी ने की। मुख्य अतिथि पूर्व शारीरिक शिक्षक जगदीश चंद्र श्रोत्रिय रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार श्रोत्रिय समाज सेवी श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ जन शांतिलाल आचार्य राम कुमार जाट घनश्याम पुरोहित पंकज श्रोत्रिय प्रमोद श्रोत्रिय राकेश जाट आदि रहे। अतिथियों ने माँ सरस्वती को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने ध्वजारोहण प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा के साथ ही खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। प्रतियोगिता में मेजबान सवाईपुर सहित बलियाखेड़ा शिवपुर बल्ला सुरास गंगापुर की टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विद्यालय की छात्राओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सवाईपुर के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान में बारिश का पानी भरा होने के कारण निकटवर्ती बल्ला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सभी मैच खेले गए। मुख्य तकनीकी सलाहकार सूर्यपाल सुथार ने बताया कि उद्घाटन मुकाबला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलियाखेड़ा बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर के बीच खेला गया जिसमें शिवपुर ने बलियाखेड़ा को 8-0 से हराया। दूसरा मुकाबला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्ला बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरास के बीच खेला गया जिसमें सुरास की टीम 2-1 से विजय रही।
पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मेजबान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर के बीच खेला गया। इसमें मेजबान सवाईपुर ने शिवपुर को 5-0 से मात देकर फाइनल में पहुंची। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला सोमिला इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरास के बीच खेला गया, जिसमें गंगापुर ने सुरास को 4-0 से हराते हुए फाइनल में पहुंचे। फाइनल में तीसरी पोजीशन के मुकाबले सोमवार प्रातः खेले जाएंगे। वर्लिया से रोशन वैष्णव के अनुसार स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय कोटड़ी में 68वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज पंचायत समिति कोटड़ी के प्रधान के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। समारोह में अध्यक्ष संस्था प्रधान महावीर भट्ट एवं विशिष्ट अतिथि विभागीय प्रतिनिधि के रूप में शरबती कगोदिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी के प्रधानाचार्य उदयलाल स्वर्णकार, शिक्षाविद एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य धर्मीचंद जिनगर, बार एसोसिएशन कोटड़ी अध्यक्ष रामस्वरूप गुजर ने माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन किया। बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत के साथ मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। शहर में विगत 5 वर्षों से विजय सिंह पथिक नगर बड़े पार्क में निशुल्क योग कक्षा का संचालन कर रहे योग साधक एवं सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी तथा जिले की करेड़ा तहसील के धर्मपाल सिंह, रतन सिंह, रूप सिंह चौहान ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर भिलवाड़ा का नाम रोशन किया। पतंजलि योग समिति भिलवाड़ा के जिला प्रभारी भंवरलाल शर्मा के अनुसार हरिद्वार के पदार्था में स्थित पतंजलि समृद्ध गांव में 3-7 सितंबर तक मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने योग भवन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित हुए दीक्षा ग्रहण समारोह में प्रेम शंकर जोशी व सभी मुख्य योग शिक्षकों को यज्ञ हवन उपनयन संस्कार के साथ रुद्राक्ष की माला धारण करा के दीक्षा प्रदान की तथा जिले में पतंजलि के मुख्य योग शिक्षक नियुक्त किए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।